वेरी वार्म वेलकम टू द इंजीनियर्स बुलेट। इस वीडियो में बात करेंगे कम्युनिकेशन के पार्ट थ्री, इसमें डिस्कस करेंगे एनालॉग मॉड्यूलेशन। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कैस्केड एम्पलीफायर इन्फॉर्मेशन थ्योरी, तो आप पहले उस वीडियोज़ को देखिए, इसके बाद पार्ट थ्री को देखिए। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें AM और FM के बारे में बात करेंगे। जितने प्रीवियस पेपर इसरो के आ चुके हैं 2006 से 17 तक, प्लस जो गेट के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अप्रॉक्स 11 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा गेट के, जो 17 तक आ चुके हैं। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी कंफर्ट फील करेंगे आप इस वीडियो के बाद एनालॉग मॉड्यूलेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन से। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन को कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसमें कैरियर सिग्नल होता है वो कंटिन्यूस होता है। अब दो तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है एनालॉग मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन बेसिकली दो तरह से होता है, एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ड्यू टू वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, और दूसरा फेज मॉड्यूलेशन ड्यू टू वेरिएशन ऑफ फेज विद रेस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरिएशन होता है ड्यू टू मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड वेरिएशन की वजह से, और इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेसिकली एक लीनियर डिवाइस है क्योंकि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वाइल FM मॉड्यूलेशन एक नॉन लीनियर डिवाइस है, तो याद रखना है आपको ये। दूसरी बात, इसकी बैंडविड्थ पूछते हैं, बैंडविड्थ होती है इसकी ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल फ्रिक्वेंसी, जो कि बहुत कम है इन कंपैरिजन टू FM। जो FM की होती है ट्वाइस वन प्लस बीटा FM, वेयर बीटा इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये डिसाइड करता है आपका कि बैंडविड्थ क्या होगी। अगर बीटा लेस देन वन है इट रिप्रेजेंट द नैरो बैंड FM, लेकिन अगर बीटा ग्रेटर देन वन है तो ये रिप्रेजेंट करता है वाइड बैंड FM। तो अगर बीटा लेस देन वन है तो जो FM होगा वो कहलाएगा नैरो बैंड FM। ये नैरो बैंड FM इज इक्विवेलेंट टू द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, लेकिन डिफरेंस बस ये है इसमें, इसका जो लोअर साइड बैंड होता है वो 180 डिग्री फेज रिवर्सल पे होता है। बाकी जो ट्रांसमिटन पावर है, अगर हम ट्रांसमिटेड पावर की बात करें, बैंडविड्थ की बात करें, तो दोनों सेम होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बराबर। वाइल जो वाइड बैंड FM होता है इसकी बैंडविड्थ होती है ट्वाइस वन प्लस बीटा FM। अगर हम थियोरेटिकल बैंडविड्थ की बात करें तो वो होती है इसकी इनफाइनाइट, लेकिन अकॉर्डिंग टू कार्जन रूल बैंडविड्थ होती है टू वन प्लस बीटा FM। लेकिन अगर बीटा हाई है, बीटा इज मच ग्रेटर देन हाई वन, इट रिप्रेजेंट कि इसको हम अप्रॉक्सीमेशन ऐसे दे सकते हैं टू बीटा FM। और जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है ये बराबर होता है नंबर ऑफ साइड बैंड के, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2N FM। तो अगर किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, 2 1 प्लस बीटा FM ये जनरल फॉर्मूला है, उसके बाद अगर बीटा बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उस केस में 2 बीटा FM, और नंबर ऑफ साइड बैंड्स इज इक्वल टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो चलिए, हाँ एक प्रॉपर्टी और आती है इसमें, AM इज हाईली नॉइजी, क्योंकि इसमें जो कंटेंट होता है, जो सिग्नल होता है, इंफॉर्मेशन होती है इसमें, वो प्रेजेंट होती है एम्पलीट्यूड में, तो एम्पलीट्यूड वेरिएशंस होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो अगर हम एम्पलीट्यूड लिमिटर यूज़ करते हैं AM में तो उससे सिग्नल में काफ़ी लॉस होगा, तो इस वजह से AM इज़ हाईली नॉइजी। जबकि जो अगर बात करें FM की, इसमें ड्यू टू कैप्चर इफेक्ट, एक इसमें इफेक्ट होता है कैप्चर इफेक्ट, इसका मतलब ये होता है कि अगर दो सिग्नल्स जिसकी एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट हैं और फ्रिक्वेंसी नियरली सेम है, अगर वो FM रिसीवर पर पहुँचते हैं तो FM रिसीवर क्या काम करता है, जो हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल्स है उसको पास कर देगा, और जो लोअर एम्पलीट्यूड का सिग्नल्स है यानी कि वीक सिग्नल है उसे सप्रेस कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हेल्प करती है FM में, जो हाई नॉइज इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो बिकॉज ऑफ दिस कैप्चर इफेक्ट FM हैज़ हाई नॉइज इम्यूनिटी। तो ये डिफरेंस है, AM इज़ हाईली नॉइजी, FM में नॉइज कम होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि AM लीनियर होता है, बैंडविड्थ इसकी ट्वाइस FM होती है, नॉइज इम्यूनिटी इसकी पुअर होती है, जैसे बताया मैंने इसमें कैप्चर इफेक्ट नहीं होता AM में, और चौथा इसमें पावर इसकी ज़्यादा होती है FM से। ऐसा क्यों, क्योंकि FM बेसिकली हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं वाइड बैंड FM की, और वाइड बैंड FM में पावर होती है इज इक्वल टू कैरियर पावर, वाइड बैंड FM की पावर होती है कैरियर पावर के बराबर। तो और इसकी पावर होती है PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस μ² / 2, तो ये पावर होती है इसकी, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है इन कंपेरिजन टू वाइड बैंड FM।
नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम का मैंने बताया कि दोनों की पावर सेम होती है, दोनों की बैंड भी सेम होती है, बस डिफरेंस इसमें आता है नैरो बैंड एफएम में और एम में, जो लोअर साइड बैंड होता है उसमें 180 डिग्री फेज रिवर्सल होता है। लास्ट प्रॉपर्टी आती है कि एम में प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो प्री एम्फेसिस की रिक्वायरमेंट और डी एम्फेसिस की रिक्वायरमेंट एफएम में होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एम में जो सिग्नल होता है वो लोअर फ्रिक्वेंसी का होता है और लोअर फ्रिक्वेंसी पे नॉइस का इफेक्ट कम होता है। क्योंकि अगर बात करें एम फॉलो करता है नॉइस ट्रायंगल, नॉइस रेक्टेंगल को, तो नॉइस रेक्टेंगल होता है द नॉइस वर्सेस एफएम। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो नॉइस का इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, वाइल जो एफएम होता है इसमें जो नॉइस ट्रायंगल होता है, जो नॉइस का ये होता है नॉइस ट्रायंगल, इसमें नॉइस रेक्टेंगल होता है। तो इसमें इससे पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे मैसेज सिग्नल की, वैसे वैसे नॉइस का इफेक्ट बढ़ रहा है। तो इसमें एफएम में नॉइस का इफेक्ट हाई जो हाई मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसीज हैं, सपोज़ ये हमारा सिग्नल है कोई, तो ये हायर फ्रिक्वेंसी की सिग्नल्स हैं, नॉइस का इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस नॉइस को कम करने के लिए और सिग्नल की फिडेलिटी को बढ़ाने के लिए। फिडेलिटी का मतलब है कि जो क्वालिटी सिग्नल की ट्रांसमिशन से पहले थी वही ट्रांसमिशन के बाद हो, हम यूज़ करते हैं प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस। प्री एम्फेसिस का मतलब होता है जो हाई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को आर्टिफिशियली बूस्ट करना। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था गेट में कि प्री एम्फेसिस रेफर्स टू, ये रेफर करता है द आर्टिफिशियल बूस्टिंग ऑफ हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी सिग्नल, और डी एम्फेसिस का मतलब है कि जो हमने आर्टिफिशियल बूस्ट किया था हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी का उसको वापस उसी स्टेज पर लाना, यानी कंप्रेशन करना। एक क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं प्री एम्फेसिस का मतलब होता है हाई पास फिल्टर, इसे सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर भी कहते हैं, जबकि डी एम्फेसिस होता है लो पास फिल्टर। तो ये पूछ सकते हैं कि डी एम्फेसिस कौन सा फिल्टर होता है, ये लो पास फिल्टर है। तो ये मैंने बताया कैप्चर इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर दो सिग्नल्स जिसकी एम्पलीट्यूड डिफरेंट है लेकिन नियरली सेम फ्रिक्वेंसी के हैं और वो एफएम रिसीवर पहुंचते हैं, तो एफएम रिसीवर जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है उसको पास कर देगा और वीक सिग्नल उसे सप्रेस कर देगा। तो ये इफेक्ट बहुत एडवांटेजेस है एफएम में, इसलिए एफएम की जो नॉइस इम्यूनिटी है बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब नेक्स्ट इफेक्ट आता है थ्रेशोल्ड इफेक्ट एफएम में, ये इसका डिसएडवांटेज है एफएम का। थ्रेशोल्ड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कैरियर टू नॉइस रेशियो CNR लेस देन 1 हो जाता है, उस वजह से क्या होता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी लेस देन 1 हो जाता है। अगर सिग्नल टू नॉइस रेशियो इनपुट पे लेस देन और फर्दर डिक्रीज होता है उस केस में क्या होता है, सपोज सिग्नल टू नॉइस रेशियो और 1 से और डिक्रीज हो गया, तो उससे क्या होता है जो सिग्नल है उसमें नेगेटिव स्पाइक आने लगते हैं। जैसे जैसे और डिक्रीज होता रहेगा नेगेटिव स्पाइक इकट्ठे हो जाएंगे और एक साउंड प्रोड्यूस होगी, क्लिक साउंड, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड इफेक्ट। तो थ्रेशोल्ड इफेक्ट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है एफएम में, तो दिस इफेक्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ द एफएम। नेक्स्ट इसमें है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होता है एएम में। तो अगर आपसे पूछते हैं कि क्वाड्रेचर नल इफेक्ट एएम में होता है या SSB SC में होता है, तो SSB SC में क्वाड्रेचर नल इफेक्ट नहीं होता, एएम में होता है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट और DSB SC में होता है। ऐसे ही अगर ये तो हमने बात करी एनालॉग मॉड्यूलेशन की, अगर हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करें तो उसमें ASK PSK FSK तीनों में क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होता है, लेकिन DPSK जिसे कहते हैं डिफरेंशियल फेज शिफ्ट किंग, इसमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट नहीं होता। तो ये याद रखना है किसमें नहीं होता, SSB SC में नहीं होता और DPSK में नहीं होता। नेक्स्ट आता है AM हैज़ सिंपलेस्ट रिसीवर स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा रिसीवर स्ट्रक्चर सिंपलेस्ट है AM का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, इसलिए इसे यूज़ करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में। अब यहाँ ब्रॉडकास्टिंग की बात आ रही है, AM को यूज़ करते हैं ऑल इंडिया रेडियो में, क्योंकि इसलिए इसे यूज़ कर सकते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन अगर हम बात करें रेडियो की, FM रेडियो की, तो उसमें यूज़ करते हैं FM यूज़ करते हैं रेडियो में। तो इसमें एक बात और पूछते हैं कि जो AM है उसे यूज़ करते हैं हम स्काई वेव प्रोपगेशन के लिए, जबकि FM को यूज़ करते हैं हम लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन के लिए। तो ये डिफरेंस है AM और FM में। और AM की यहाँ रिसीवर की बात हो रही है, तो AM की जो सिग्नल रेंज होती है सिग्नल फ्रिक्वेंसी की, वो होती है 550 किलोहर्ट्ज़ से 1650 किलोहर्ट्ज़। और आपसे पूछते हैं बैंडविड्थ कितनी होती है AM रिसीवर में, 10 किलोहर्ट्ज़ होती है। और इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है इसमें जो वैल्यू होती है वो 455 किलोहर्ट्ज़। तो ये AM रिसीवर की बात करी मैंने, इसमें सिग्नल फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है 550 किलोहर्ट्ज़ से 1650 किलोहर्ट्ज़। बैंडविड्थ होती है AM रिसीवर में 10 किलोहर्ट्ज़ और 455 किलोहर्ट्ज़ होती है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी
ऐसे अगर एफएम की बात करूँ एफएम रिसीवर में, तो वहाँ पर जो रेंज होती है सिग्नल फ्रिक्वेंसी की वो होती है 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़। बैंडविड्थ होती है 200 किलोहर्ट्ज़ और इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होती है 10.7 मेगाहर्ट्ज़। तो ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए एएम रिसीवर और एफएम रिसीवर। नेक्स्ट इसमें है इमेज चैनल सेलेक्टिविटी, जो सुपर हेटरोडाइन रिसीवर का है वो डिटरमाइन कौन करता है? इसका आंसर है प्री सेलेक्टर और आरएफ एम्पलीफायर, क्योंकि इनिशियल गेन जो प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है आरएफ एम्पलीफायर। आरएफ एम्पलीफायर एक तरह का ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर है और इसे बेसिकली कहते हैं क्लास ए ट्यून्ड एम्पलीफायर। अगर आपसे पूछते हैं कौन सा एम्पलीफायर होता है, ये क्लास ए ट्यून्ड एम्पलीफायर है और इसे यूज़ करते हैं इमेज चैनल रिजेक्शन के लिए। इसका पर्पस ये होता है आरएफ एम्पलीफायर का, इमेज चैनल को रिजेक्ट करता है। जबकि अगर आपसे पूछते हैं कि जो गेन हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, सेलेक्टिविटी हो गया, जो मोस्ट ऑफ द गेन सेलेक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी जो प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं आईएफ एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। इसे हम नैरो बैंड एम्पलीफायर भी कहते हैं। अगेन ये भी क्लास ए ट्यून एम्पलीफायर ही है, बट बस ये नैरो बैंड एम्पलीफायर है। तो इसकी मैंने रेंज आपको बताई कि इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है 455 किलोहर्ट्ज इन केस ऑफ एएम रिसीवर और 10.7 मेगाहर्ट्ज इन केस ऑफ एफएम रिसीवर। लास्ट पॉइंट आता है PLL विद फर्स्ट ऑर्डर लूप फिल्टर कैन ट्रैक फ्रिक्वेंसी ऑफसेट। ये क्वेश्चन इसरो का था, इसमें पूछा गया था कि PLL जो है, जो फर्स्ट ऑर्डर लूप फिल्टर है वो क्या ट्रैक करता है, फ्रिक्वेंसी ऑफसेट, फेज ऑफसेट, फ्रिक्वेंसी ऑफसेट एंड फेज ऑफसेट। तो इसका आंसर है फ्रिक्वेंसी ऑफसेट को ट्रैक करता है। PLL बेसिकली होता है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फ्रिक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन। तो फेज लॉक्ड लूप कहते हैं इसे। इसमें तीन ब्लॉक होते हैं। पहला ब्लॉक होता है इसमें कंपैरेटर का, ऐसे बनता है कंपैरेटर हो गया, यहाँ पर इनकमिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी आ रही है, यहाँ पर ये जो फ्रिक्वेंसी होगी ये आएगी VCO के आउटपुट से। दूसरा ब्लॉक होता है लूप फिल्टर। तो ये है इसमें पहला फेज कंपैरेटर जो फेज डिफरेंस निकालेगा, दूसरा लूप फिल्टर जिसे लो पास फिल्टर कहते हैं, और ये है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। तो इसका डिफरेंस जो आएगा इनकमिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी और VCO फ्रिक्वेंसी, वो आएगा DC सिग्नल। तो ये सर्किट इस तरह बनाया गया है कि कुछ टाइम बाद ये सर्किट लॉक्ड हो जाता है, मींस जो दोनों की फ्रिक्वेंसी हैं, सिग्नल फ्रिक्वेंसी और VCO की फ्रिक्वेंसी, दोनों इक्वल हो जाती हैं और उसे कहते हैं इसलिए PLL को लॉक्ड स्टेट में। तो इसमें दो टर्म और पूछ लेते हैं कि दो रेंज आती है इसमें, लॉक इन रेंज और कैप्चर रेंज। लॉक इन रेंज का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी PLL कैन ट्रैक, जिस रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को PLL ट्रैक कर सकता है उसे कहते हैं लॉक इन रेंज। और कैप्चर रेंज होता है द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर विच PLL लॉक्ड, जिस रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए PLL लॉक्ड जाता है या कैप्चर रेंज में एंटर कर जाता है उसे कहते हैं कैप्चर रेंज। और लॉक इन रेंज हमेशा ग्रेटर होती है कैप्चर रेंज से। तो ये पूछ सकते हैं लॉक इन रेंज बड़ी होती है कैप्चर रेंज बड़ी होती है, लॉक इन रेंज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कैप्चर रेंज। सपोज ये लॉक इन रेंज है तो ये जो रेंज होगी वाली ये कैप्चर रेंज होती है। तो इस केस इस रेंज में PLL हमारा लॉक्ड है। और एक क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं कि जो कैप्चर रेंज होती है इसे हम कहते हैं, ये करस्पॉन्ड्स होता है लो पास फिल्टर के। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैप्चर रेंज करस्पॉन्ड्स टू लो पास फिल्टर। और अगर पूछते हैं PLL किस फिल्टर की तरह काम करता है, ये काम करता है बैंड पास फिल्टर की तरह। याद रखना है कि PLL एक्ट एज ए बैंड पास फिल्टर, और मैंने बताया था ये इनडायरेक्ट मेथड है FM डीमॉड्यूलेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है इसमें कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ 15 किलोहर्ट्ज इज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड विद डेविएशन ऑफ 75 किलोहर्ट्ज, तो फाइंड करनी बैंडविड्थ। तो जैसे कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो उसकी बैंडविड्थ होती है ट्वाइस डेल एफ प्लस FM। तो हमें यहाँ गिवन है फ्रिक्वेंसी डेविएशन कितना, 75 प्लस FM गिवन है 15। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं अगर हम बात करें फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, खासतौर से वाइड बैंड एफएम की बात करें। जैसे कि अगर हम बात करें डेल एफ की फ्रिक्वेंसी डेविएशन, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 75 किलोहर्ट्ज, ये डेल एफ की वैल्यू है फ्रिक्वेंसी डेविएशन की। ऐसे ही अगर एफएम की बात करें मैसेज सिग्नल फ्रिक्वेंसी, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 15 किलोहर्ट्ज। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि आपको भले ही प्रोवाइड ना करें, आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो इसकी फ्रिक्वेंसी डेविएशन होता है 75 किलोहर्ट्ज़ होता है। अब इसमें चार पैरामीटर्स और आते हैं। यहाँ तो पूछ लिया फ्रिक्वेंसी डेविएशन, फ्रिक्वेंसी डेविएशन से अगर बात करें तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन बात करें एफएम की,
मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डिविजन इन केस ऑफ एफएम वो होता है केएफ इनटू एएम। तो इन चारों जो फॉर्मूले बता रहा हूँ इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। ये एफएम की बात करिए, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डिविजन ऑफ एफएम होता है केएफ इनटू एएम। ऐसे ही मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डिविजन ऑफ पीएम होता है केपी अपॉन टू पाई। ये मैं बता रहा हूँ जनरल एक्सप्रेशन डी डेरिवेशन ऑफ द एमटी। और अगर इसको हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आती है इसकी केपी एएम इनटू एफएम। ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, पूछ लेंगे कि फेज मॉड्यूलेशन का फ्रिक्वेंसी डिविजन डिपेंड करता है किस किस पे, एएम पे, एफएम पे या दोनों पे या किसी पे नहीं। तो दोनों पे डिपेंड करता है एएम और एफएम, जबकि अगर फ्रिक्वेंसी डिविजन एफएम की बात करें तो वो केवल एएम पे डिपेंड करता है। ये डिफरेंस आपको नोट करना है दोनों का कि फ्रिक्वेंसी डिविजन ऑफ पीएम डिपेंड्स ऑन बोथ एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। इसके बाद आता है फेज डेविएशन। फेज डेविएशन ऑफ एफएम होता है 2πkf इंटीग्रेशन mt/dt। ये जनरल एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर हम बात करें फेज डेविएशन हमेशा बराबर होता है बीटा के, और बीटा होता है डेल एफ अपॉन एफएम इन केस ऑफ एफएम। ये आपको याद रखना, चाहे एफएम हो चाहे पीएम हो, जो फेज डेविएशन होगा वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है, दोनों केस में सेम होगा। मैं बताऊंगा कैसे आएगा इसमें, जैसे बीटा इज इक्वल टू डेल एफ। अब मैं बात करूं अगर फेज डेविएशन पीएम की, तो वो होता है मैक्सिमम वैल्यू केपी इनटू एएम। तो मैंने बताया फेज डेविएशन किसके बराबर होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स के, तो अगेन बीटा यहां पर कितना आ गया केपी इनटू एएम। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीटा में, यहां बीटा केपी इनटू एएम है, यहां बीटा कितना है डेल एफ अपॉन एफएम। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इस पर न्यूमेरिकल पूछे गए थे। और इसमें एक ये वाला, दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ये वाले, एक ये वाला, एक ये वाला, क्योंकि इस पे आपको क्या क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, आपको एक फिगर दे देगा, सपोज ये फिगर दे देगा उसकी, इस तरह की फिगर दे देगा, और आपसे पूछ लेगा फाइंड द मैक्सिमम फेज फ्रिक्वेंसी डेविएशन ऑफ पीएम। तो आपको मैसेज सिग्नल का डेरिवेटिव करना होगा, जो क्या आएगा रेक्टेंगुलर पल्स आएंगी, तो ऐसे आप फाइंड करेंगे। तो ये चारों फॉर्मूले पता होने चाहिए, फ्रिक्वेंसी डेविएशन ऑफ एफएम, केपी इन केएफ इनटू एएम, और ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। तो ये चार एक्सप्रेशन आप याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सिग्नल फ्रिक्वेंसी ऑफ इज ऑफ 2000 किलोहर्ट्ज़, आईएफ इज 450 किलोहर्ट्ज़, 55 किलोहर्ट्ज़, फाइंड करनी है इमेज फ्रिक्वेंसी। तो इमेज फ्रिक्वेंसी होती है, इमेज फ्रिक्वेंसी एफएसआई इज इक्वल टू एफएस सिग्नल फ्रिक्वेंसी प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ हमें गिवन है सिग्नल फ्रिक्वेंसी गिवन है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी गिवन है, यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब इसमें जो मेन बात है वो स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, यहाँ इनकमिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी है और ये लोकल ऑक्स यहाँ पर आ रहा है, लोकल ऑक्स फिल्टर की फ्रिक्वेंसी। अब जो इसमें प्रोसीजर बेसिकली यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डाउन कन्वर्जन। तो यहाँ जो सिग्नल आएगा वो आएगा FL माइनस FS, डाउन कन्वर्ट होके उसकी एक फिक्स फ्रिक्वेंसी मिलेगी 455 किलोवाट, जिसे कहते हैं हम इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। तो जो भी सिग्नल फ्रिक्वेंसी आ रही है वो डाउन कन्वर्ट होके उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो रिसीवर हमेशा इस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून होगा इन केस ऑफ एएम रिसीवर। ऐसे ही अगर हम बात करें एफएम रिसीवर पे, तो जो इनका डिफरेंस जो होगा एफएम रिसीवर में वो आएगा 10.7 मेगाहर्ट्ज़। तो ये स्टैंडर्ड है वैल्यू कि डाउन कन्वर्जन करना होता है एएम रिसीवर में, एफएम रिसीवर में, और हमें मिलती है वैल्यू वाली। अब इसमें दो केस आते हैं, अगर एफएल ग्रेटर देन एफएस है, जो हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वैसे रिसीवर में, एफएल ग्रेटर देन एफएस है तो बेसिकली हम ये यूज़ करते हैं ड्यू टू सिंपलिसिटी। क्योंकि होता क्या है, अगर हम सी मैक्स बाय सी मिन का रेशियो निकालते हैं कैपेसिटेंस का, क्योंकि हम जो एफएम जनरेशन है रिसीवर है उसमें यूज़ करते हैं वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर, तो उसमें हार्टले ऑक्सीलेटर यूज़ करते हैं, तो कैपेसिटेंस का अपना इफेक्ट आता है, तो इसकी वैल्यू आती है 4.41। इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, यानी कि वेरिएशन बहुत कम है अगर हम लोकल ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी ग्रेटर लेते हैं। लेकिन अगर केस है एफएल लेस देन एफएस का, उस केस में जो ये रेशो आता है वो आता है 400 के आसपास। इट रिप्रेजेंट दैट लार्ज वेरिएशन है, इसका मतलब रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसलिए हम ये प्रेफर करते हैं क्योंकि इस केस में हमें रेशो अप्रॉक्सीमेटली सेम मिल रहा है, दोनों वेरिएशन कम है, तो ये प्रेफर करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है एफ एल ग्रेटर देन एफ एस या कुछ गिवन नहीं है, तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे वाला एफ एस आई इज इक्वल टू एफ एस प्लस 2 आई एफ। लेकिन अगर आपको
क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एल लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी लेस है सिग्नल फ्रिक्वेंसी के, तो उस केस में जो फॉर्मूला वैलिड होगा वो होगा एफ एस आई इज इक्वल टू एफ एस माइनस टू आई एफ। ये आपको रिमेंबर रखना है कि माइनस साइन आएगा यहाँ पर अगर एफ एल लेस देन है एफ एस के। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो आप इसे यूज़ करेंगे नो डाउट, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है एफ एल लेस देन एफ एस है, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे गेट में आया हुआ है क्वेश्चन वाला, एफ एस एफ एस आई माइनस एफ एस आई इजल टू एफ एस माइनस टू आई एफ, बस ये डिफरेंस है इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फाइंड करना है परसेंटेज मॉड्यूलेशन ए एम वेव का, इसमें गिवन है पावर कंटेंट ऑफ 8 किलोवाट एट कैरियर फ्रिक्वेंसी। कैरियर फ्रिक्वेंसी पे पावर कंटेंट है 8 किलोवाट, इसका मतलब क्या हुआ पी सी गिवन है हमें, क्योंकि कैरियर फ्रिक्वेंसी पे पावर दे रखी है तो 8 किलोवाट। नेक्स्ट 2 किलोवाट इन ईच ऑफ इट्स साइड बैंड, और हर साइड बैंड की पावर दे रखी है 2 किलोवाट, तो पी एस बी बाय 2 दे रखा है हमें, क्योंकि साइड बैंड की पावर क्या होती है, साइड बैंड तो दो होते हैं ए एम में अगर बात करें, तो ये एक ये साइड बैंड है लोअर साइड बैंड, ये अपर साइड बैंड है। तो इन्होंने क्या रखा है कि हर साइड बैंड में पावर है 2 किलोवाट, तो पी एस बी बाई 2 मतलब हर साइड बैंड की पावर कितनी है 2 किलोवाट, तो टोटल पावर कितनी आ गई साइड बैंड की 4 किलोवाट। अगर आपको एक्सप्रेशन याद है टोटल पावर का, पी टी इजल टू पी सी प्लस पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2, ये होता है एक्सप्रेशन कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर, तो हमें साइड बैंड पावर निकाल ली हमने, तो यहाँ से हम देखें पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितनी निकाली हमने 4 किलोवाट। हमें पी सी गिवन है तो म्यू स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई, पी सी कितना गिवन है 8 किलोवाट, तो ये कितना आ गया 1/2, और 2 इधर गया तो ये आ गया म्यू इज़ टू 100%। तो ये ऐसे फाइंड करना है, तो ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि पावर जो होती है टोटल पावर ए एम में वो होती है कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर, जो आप इस तरह से याद करते हो इसे पी टी इजल टू पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, इसका एक्सपेंशन है वाला टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर, और हमें साइड बैंड पावर नहीं दे रखी टोटल, हमें दे रखी है हर साइड बैंड में कितनी पावर है, तो पी सी पी एस बी बाई 2 दे रखा है 2 किलो वाट, तो यहाँ से निकल जाएगा पी एस बी, यहाँ से हम म्यू निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल फ्रिक्वेंसी डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू, जैसे मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि फेज फ्रिक्वेंसी डेविएशन बात कर रहे हैं पी एम का, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल में फ्रिक्वेंसी डेविएशन क्या होता है, मैंने बताया था इसमें ये होता है के पी इंटू ए एम इंटू एफ एम, ये था एक्सप्रेशन उसका मैक्सिमम बात करें, तो ए एम पे डिपेंड कर रहा है और एफ एम पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा सी फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है और एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर आपसे कहता है ये फ्रिक्वेंसी डेविएशन ऑफ एफ एम सिग्नल, तब ये केवल एम्पलीट्यूड पे ही डिपेंड करेगा, ये वैलिड है फिर, तो ये आपको डिफरेंस नोट करना है वाला क्या डिफरेंस है कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल विद कैरियर फ्रिक्वेंसी गिवन है और हमें फाइंड करना है फ्रिक्वेंसी डेविएशन। अब इसका एक प्रोसीजर होता है, ये एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तो एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है इसका एक्सप्रेशन होता है एस टी इज इक्वल टू, जो जनरल होता है ए सी कॉस थीटा आई टी, जनरल एक्सप्रेशन है इसका। तो एस टी हमें गिवन है टेन कॉस ओमेगा सी टी, ये एक्सप्रेशन गिवन है। तो फ्रिक्वेंसी डेविएशन फाइंड करने के लिए एक जनरल स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला होता है एफ सी एफ आई इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू एफ सी प्लस डेल एफ, ये एक्सप्रेशन होता है इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी का। तो ये एफ आई माइनस एफ सी कहलाता है डेल एफ, कि इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी से कितना डेविएट हो रहा है कैरियर फ्रिक्वेंसी, तो डेल एफ निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है इसमें, ये होता है इस तरह का इसका एक्सप्रेशन डी थीटा ओवर डी टी, इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी निकालनी है हमें, अगर इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी निकाल देंगे तो हम इस फॉर्मेट में आ जाएगी वो, अब इस फॉर्मेट में आ जाएगी तो कंपेयर कर देंगे वहाँ से हमें डेल एफ मिल जाएगा। तो हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी, तो उसको फाइंड करने के लिए होता है 1/2π डी थीटा ओवर डी टी। अब थीटा में गिवन है तो हमें कुछ नहीं करना है, एस टी को डेरिवेट करना है, थीटा ई कितना गिवन है, ये थीटा ई है पूरा, ये पूरा गिवन है थीटा ई, तो 1/2π इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, ओमेगा सी टी है अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे 2π फ्रिक्वेंसी में तो ये जाएगा 2π एफ सी, डेरिवेटिव करेंगे टी का तो कट जाएगा तो वन आ जाएगा प्लस 5, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस कॉस 3000 पाई टी,
और जब इसे इसके डेरिवेटिव करेंगे तो ये टर्म बाहर आ जाएगी 3000 पाई। ऐसे ही साइन का करेंगे कितना आएगा, 10 cos 2000 pi t। अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू 2000 pi। तो ये डेरिवेटिव करने के बाद मिला, अब ये 2 pi अंदर जाएगा तो कट जाएगा, तो ये बचेगा FC + 2 pi कट जाएगा, इतना आएगा 7500। ये कितना आ गया, 75000। उसके बाद ये कॉस्ट टर्म रहेगी, इसके हमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसे ही ये अंदर जाएगा कितना कटेगा, ये वैल्यू आ जाएगी 10000। ओके, उसके बाद यहाँ आ जाएगी कॉस्ट टर्म। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, दोनों कॉस्ट टर्म है तो इसके आपको एक फंडा याद रखना है, अगर दोनों कॉस्ट टर्म होती है, अब चाहे उसमें फ्रिक्वेंसी बराबर हो यहाँ पर चाहे ना हो, तो जो आंसर होगा सिंपली आंसर आ जाएगा एडिशन ऑफ द एम्पलीट्यूड, बस ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें फाइंड करना है डेल एफ। डेल एफ का मतलब होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये एक्सप्रेशन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ दोनों कॉस हैं, दोनों कॉस हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों कॉस होती हैं तो दोनों की वैल्यू ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों ऐड कर रहे हैं, तो डेल एफ मैक्सिमम होगा इज इक्वल टू 75000 प्लस करना है इसमें 10000। तो ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, आई थिंक ऑप्शन बी ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो बात याद रखनी है आपको, बात याद रखनी है कि डेरिवेटिव करना है इसमें सबसे पहले, और जैसे कि डेरिवेटिव करने के बाद दोनों टर्म कॉस की हैं, तो अब इसमें डेल एफ फाइंड करना है मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये बात फाइंड करना है ना, मैक्सिमम वैल्यू होगी अगर दोनों कॉस टर्म है, तो आपको सिंपली एम्पलीट्यूड इसके ऐड करने हैं, जो भी एम्पलीट्यूड आएंगे डेरिवेटिव करने के बाद। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व कर लीजिए, मैं मुझे बता, आपको फंडा बताना है कि इसके एम्पलीट्यूड आपको ऐड करना है। नेक्स्ट, अगर केस ऐसा बनता है कुछ साइन का, दोनों अगर साइन होते हैं तब ये उसके लिए वैलिड नहीं है, साइन के केस में वैलिड नहीं है, लेकिन अगर साइन और कॉस है, साइन और कॉस है और दोनों की फ्रिक्वेंसियाँ सेम होनी चाहिए, उस केस में जो आप मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे वो निकलेगी अंडर रूट में इसका एम्पलीट्यूड जो होगा a² + इसका एम्पलीट्यूड b². ये केस तब वैलिड है अगर साइन और कॉस हो, सेकंड केस क्या, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो जो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का स्ट्रेटेजी है वो है अंडर रूट में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यहाँ पर प्लस इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो कहलाएगी डेल एफ। लेकिन अगर दोनों कॉस हैं तो इरेस्पेक्टिव ऑफ फ्रिक्वेंसीज आपको एम्पलीट्यूड सिंपल ऐड करने हैं दोनों के, वो आपका आंसर होगा। तो जो भी इसका आंसर आया उसको आप फाइंड कर लीजिए, ये इसका प्रोसीजर है कि सबसे पहले इंस्टेंटेनियस, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है फ्रिक्वेंसी डेविएशन फाइंड करने का, तो आपको इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, उसका डेरिवेटिव करना है, उसके बाद उस इक्वेशन को कंपेयर करना है इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एज द एम्पलीट्यूड एज द मॉडुलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम सिग्नल विद साइनसोइडल मॉडुलेशन इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 2। अगर मॉडुलेशन इंडेक्स को बीटा को 0 से 2 तक बढ़ाते हैं, पूछा है कि पावर कंटेंट जो होगा कैरियर कंपोनेंट में वो क्या होगा, कैसे वेरिएशन होगा उसमें। तो ये बात कर रहा है एफएम सिग्नल की, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, इस तरह वेरी करता है कैरियर पावर विद रेस्पेक्ट टू बीटा। याद रखना है आपको कि कैरियर पावर का जो वेरिएशन होता है बीटा के रेस्पेक्ट में वो इस तरह होता है। अब ये जहाँ 0 होता है उसे कहते हैं आइगन वैल्यूज़, जहाँ पर ये बीटा, जिस वैल्यू पे बीटा की जो कैरियर पावर 0 हो रही है उसे कहते हैं आइगन वैल्यूज़ या रूट्स। तो पहली वैल्यू होती है 2.2, दूसरी होती है 5.5 और तीसरी होती है 8.6 होती है। ये वो वैल्यूज़ हैं बीटा की जिस पे कैरियर पावर 0 है। और सपोज अगर कैरियर पावर 0 होगी उस केस में मॉडुलेशन एफिशिएंसी क्या होगी, 100% होगी, क्योंकि कोई पावर डिस्ट्रीब्यूट है ही नहीं कैरियर को। तो कैरियर पावर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द 100% मॉडुलेशन एफिशिएंसी। जैसे हमने देखा था, अगर बात करें DSBSC की, उसमें कैरियर ट्रांसमिट नहीं करते हैं साथ में हम, तो उस केस में भी कैरियर पावर 0 है तो 100% एफिशिएंसी है। अगेन इस केस में भी फॉर द वैल्यूज ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2.2, 5.5 और 8.6, इन वैल्यूज़ के लिए मॉडुलेशन एफिशिएंसी 100% है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन होता है कैरियर पावर का वाइड बैंड एफएम में वो होता है AC² JN
बीटा स्क्वायर अपॉन टू आर, ये एक्सप्रेशन होता है जे नॉट बीट, ये पीसी का होता है जे नॉट एसी स्क्वायर जे नॉट बीटा अपॉन टू आर। तो इसमें अब बात करें, क्योंकि बीटा की अगर बीटा 2.2 है तो पावर कैरियर पावर जीरो हो गई, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया अगर बीटा जीरो से टू बढ़ाएंगे, यानी कि बीटा यहाँ जीरो है, जीरो से अगर टू तक बढ़ा रहे हैं तो यहाँ नोटिस कर रहे हैं हम कि कैरियर पावर डिक्रीज हो रही है। बीटा जीरो से टू तक बढ़ाएंगे तो कैरियर पावर डिक्रीज हो रही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन अगर ये पूछता बीटा जीरो से 5.5 तक बढ़ रहा है तो पहले क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो फिर ऑप्शन सी करेक्ट होता, ऑप्शन डी करेक्ट होता, क्योंकि पहले अगर पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अभी पूछ रहा है जीरो से टू के बीच में, तो उस केस में ये केवल डिक्रीज ही हो रहा है, तो इसलिए आंसर ए करेक्ट है। तो ये आपको याद रखना है ये वाला फिगर कि बीटा 2.2 5.5 पे जीरो होगा तो पावर उसकी जीरो होगी कैरियर में और मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी 100% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है अगर कैरियर को फेज मॉड्यूलेट करते हैं विद एन इंटीग्रेटेड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो रिजल्टेंट सिग्नल क्या होगा। इसमें कह रहा है कि अगर कैरियर है, सपोज ये फेज मॉड्यूलेटर है, और कह रहा है अगर इंटीग्रेटेड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फेज मॉड्यूलेशन करते हैं, अगर ये पहले इसका मैसेज सिग्नल का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद मैसेज सिग्नल का इंटीग्रेशन किया, उसके बाद इसका फेज मॉड्यूलेशन करेंगे, तब उस केस में जो सिग्नल मिलेगा कौन सा मिलेगा। क्योंकि अगर आप बात देखें जनरल एक्सप्रेशन FM का, PM का देखते हैं, PM का एक्सप्रेशन होता है AC cos 2 पाई FCT प्लस KP इंटू MT। अब यहाँ देखो आप, अगर हम इस मैसेज सिग्नल का इंटीग्रेशन कर दें, पहले आप उसका भी देख लीजिए फिर आपको आसानी रहेगी, AC cos 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF इंटीग्रेशन MT dt, ये एक्सप्रेशन है FM का। अब इसमें डिफरेंस देखिए, अगर हम मैसेज सिग्नल का मैं इंटीग्रेशन कर दूँ पहले, सपोज इंटीग्रेशन करते हैं और उसका फिर फेज मॉड्यूलेशन करते हैं, तो ये फेज मॉड्यूलेशन जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा FM, क्योंकि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं मैसेज सिग्नल का फिर उसका फेज मॉड्यूलेशन करते हैं तो वो सिग्नल बन जाएगा FM। तो यहाँ जो सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब सपोज सर्किट में पूछा गया होता अगर कैरियर को फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट करना है विद डेरिवेटिव मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो अब क्या करना है, FM से हमें PM बनाना है, तो अब पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें पहले करना पड़ेगा डेरिवेटिव, क्योंकि अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तब जाके ये मैसेज सिग्नल मिलेगा। तो ये MT आ रहा है, यहाँ से हमने डेरिवेटिव किया और उसका हमने करा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो यहाँ से मिलेगा फेज मॉड्यूलेशन। क्यों, क्योंकि जब मैसेज सिग्नल का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या रह जाएगा, सिंपल MT रह जाएगा, और उसका फेज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा PM। तो FM अगर लेना है हमें तो मैसेज सिग्नल का इंटीग्रेशन करेंगे पहले, फिर उसका फेज मॉड्यूलेशन करेंगे। या अगर आपको ये दो एक्सप्रेशन याद है तो आप इजीली आप पता कर सकते हो कि अगर हम इंटीग्रेशन कर दें मैसेज सिग्नल का फिर उसका फेज मॉड्यूलेशन कर दें तो हमें मिलेगा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऐसे ही अगर हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो टर्म्स हैं वाली, इसमें अगर इसका डेरिवेटिव कर दें फिर उसका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं तो हमें मिलता है फेज मॉड्यूलेशन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू कैरियर्स हैं 2 GHz और 4 GHz, उसको फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट किया बाय सिग्नल ऑफ 10 kHz, बैंडविथ दोनों FM सिग्नल की सेम है, फाइंड करना है कि पीक डेविएशन दोनों केस में क्या होगा। जैसे कि हमें गिवन है बैंडविथ दोनों की सेम है, बैंडविथ क्या होती है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, 2 ∆f प्लस FM, ये होता है क्योंकि इसमें पहला मैसेज वो सिग्नल है FM सिग्नल, तो और कैरियर फ्रिक्वेंसी दोनों की डिफरेंट है लेकिन मैसेज सिग्नल फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम है तो ये सेम होगी। ऐसे ही अगर बैंडविड्थ 2 देखें तो अगेन 2 प्लस FM, दोनों की मैसेज सिग्नल फ्रिक्वेंसी सेम है तो इसमें जरूरत नहीं है वेरिएशन करने की। अब ये दोनों हमें इक्वल दे रखे हैं, बैंडविड्थ 1 इज इक्वल टू बैंडविड्थ 2, यहाँ गिवन है बैंडविड्थ ऑफ द FM सिग्नल इनटू केसेस आर सेम, दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस FM इज इक्वल टू 2 प्लस FM,
तो एफ एम से एफ एम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एफ एम दोनों में सेम है। तो यहाँ से हमें रेशो मिलेगा डेल एफ वन अपॉन डेल एफ टू इज इक्वल टू 1:1। आई थिंक समझ में आएगा आपको। जैसे कि सबसे पहले क्या करा हमने, हमें पता है बैंडविड्थ सेम है, बैंडविड्थ एफ एम की होती है ट्वाइस डेल एफ प्लस एफ एम, हमें फाइंड करना है डेल एफ। एफ एम हमें जो है गिवन है दोनों केस में सेम है और बैंडविड्थ भी सेम है, तो दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से रेशियो आ गया 1:1। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक इसरो का, उसके बाद शुरू करेंगे हम गेट के क्वेश्चंस। फॉर आइडेंटिकल टोटल ट्रांसमिटेड पावर द रेशियो ऑफ सिग्नल टू नॉइस रेशियो ऑफ वाइड बैंड एफ एम टू द सिग्नल टू नॉइस रेशियो ऑफ डी एस बी ए एम। तो ये पूछ रहा है एस एन आर ऑफ वाइड बैंड एफ एम टू द एस एन आर ऑफ डी एस बी ए एम, इट मीन्स ए एम का एस एन आर, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो आपको एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए, फिगर एस एन आर करस्पॉन्ड करता है फिगर ऑफ मेरिट के, क्योंकि फिगर ऑफ मेरिट का क्या होता है आउटपुट एस एन आर अपॉन इनपुट एस एन आर। तो अगर हमें फिगर ऑफ मेरिट पता होती है एफ एम की होती है 3/2 बीटा स्क्वायर, वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो वैसे पी एम की होती है 1/2 बीटा स्क्वायर, तो इसकी होती है 3/2 बीटा स्क्वायर और फेज मॉड्यूलेशन की होती है 1/2 बीटा स्क्वायर। तो अब इसमें अगर बीटा की वैल्यू में गिवन है कितना है, दोनों की बीटा की वैल्यू है, यहाँ पर देखो डी एस बी ए एम की जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो गिवन है 1, तो ये होता है फिगर ऑफ मेरिट। तो इसका जो वैल्यू आएगी के ए स्क्वायर पी, क्योंकि साइनोसोइडल सिग्नल है तो इसकी होती है म्यू स्क्वायर अपॉन 2+ μ2। ये होता है फिगर ऑफ मेरिट फॉर ए एम। ए एम के लिए फिगर ऑफ मेरिट का एक्सप्रेशन होता है वाला साइनोसोइडल के केस में। अगर आपने मेरी डी एम आर सी वाली वीडियो देखी है, मैंने इसमें तीन केस बताए थे कि साइनोसोइडल सिग्नल हो तो यहाँ पर आता है 2 और स्क्वायर वेव सिग्नल हो तो यहाँ पर आता है 1, लेकिन ट्रेंगुलर है तो यहाँ पर आता है 3। तो हम बात कर रहे हैं साइनोसोइडल सिग्नल की, तो यहाँ पर 2+μ2। अब इसमें म्यू कितना गिवन है, डी एस बी ए एम का 1 गिवन है ना, तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, म्यू 1 पुट करोगे तो 1/3 आ जाएगा, 1/3। इट मीन्स फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए एम इज इक्वल टू 1/3। अब फाइंड करना है हमें फिगर ऑफ मेरिट एफ एम का, उसके लिए हमें पता होना चाहिए बीटा। बीटा होता है डेल एफ अपॉन एफ एम। हमें डेल एफ कितना गिवन है, मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड वैल्यू होती है डेल एफ की 75 kHz और मैसेज सिग्नल फ्रिक्वेंसी की होती है 15 kHz। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे बीटा आएगा 5। तो अब यहाँ पुट कर दीजिए 3/2 बीटा स्क्वायर 25, तो यहाँ पुट करेंगे तो 3/2 × 25 डिवाइड बाय 1/3। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया 9/2 × 25, तो 12.5। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए। तो ये इस तरह फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले आपको फिगर ऑफ मेरिट पता होनी चाहिए, क्योंकि एस एन आर फाइंड करना है। एस एन आर जब भी फाइंड करने को आए तो वो इक्वल होता है फिगर ऑफ मेरिट के, क्योंकि फिगर ऑफ मेरिट भी एस एन आर की बात करता है। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ एफ एम होता है 3/2 बीटा स्क्वायर और फिगर ऑफ मेरिट ए एम होता है जनरल एक्सप्रेशन के ए स्क्वायर पी अपॉन 1+ kA²P। जैसे कि हम यहाँ पी है, पी का मतलब क्या होता है, पावर। पावर होती है ए एम स्क्वायर बाई 2 फॉर साइनसोडल सिग्नल। जब पुट करोगे तो बनेगा के ए स्क्वायर ए एम स्क्वायर अपॉन 2+ kA² AM² और के ए एम क्या होता है, म्यू होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो म्यू स्क्वायर अपॉन 2+μ². तो ये आपको लिंक पता होना चाहिए किस तरह लिंक करना है। पावर पता होनी चाहिए कि अगर साइनसोइडल सिग्नल है उसकी पावर होती है ए एम स्क्वायर बाई 2। शुरू करते हैं गेट के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन गेट 2002 में आया था, इसमें एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल दे रखा है एक्सप्रेशन, फाइंड करना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड फेज डेविएशन। इसका मैं क्वेश्चन एक करवा चुका हूँ इसरो में, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन वाला, तो दोबारा देख लेते हैं एक बार। मैंने बताया था कि सबसे पहले इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन फाइंड करना है तो वो होता है 1/2πd θi/dt। हमें थीटा कितना गिवन है, ये पूरा थीटा होता है वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा थीटा होता है, तो 1/2π। अब डी थीटा आई कितना है, तो थीटा कितना है 2π × 2×10⁶। जब टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस अगेन साइन का डेरिवेटिव कितना होगा कॉस, और ये 150 भरा जाएगा, तो कॉस
150t प्लस, अगेन कॉस का कितना होगा माइनस, कॉस का होता है माइनस साइन, तो 40 इंटू 150 साइन 150t। तो अभी क्या करेंगे, इसमें 2 पाई अंदर जाएगा तो 2 इंटू 10 रिस्ट टू पावर 6 माइनस 6। इसमें अब एक बात और देखिए, इसमें आपको नीड नहीं है कि आप उसमें फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पर सिंपल ओमेगा गिवन है। तो अगर आप इसमें 2 पाई नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई उस केस में लेना है हमें अगर अंदर जो टर्म्स हैं साइन में वो पाई में दे रखी हैं। तो आई थिंक यू डोंट नीड टू टेक दिस, और इसको लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तो आप इसको लेने की ज़रूरत, हाँ इसको लेने की ज़रूरत है क्योंकि ये 2 पाई इंटू एफ हमें जो ये वाला गिवन है। अगर आपको 2 पाई लेना है, सपोज 2 पाई लेना है, उस केस में 2 पाई की मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो यहाँ भी 2 पाई होगा और यहाँ भी 2 पाई होगा। तो आप स्टैंडर्ड ये वाला फॉलो करिए, एफ आई इज इक्वल टू 1/2 पाई डी थीटा ओवर डी टी। तो ये 2 पाई है अंदर जाएगा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहीं मल्टीप्लाई होगा। तो अब अंदर 2 पाई अगर भेजेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ बचेगा ये वाला अगेन 30 इंटू 150 कॉस टर्म आ गई माइनस 40 इंटू 150 साइन टर्म। अब मैंने इसमें बताया था अगर कॉस और साइन हो उस केस में कैसे इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। अगर कॉस और साइन गिवन है और अंदर का आर्ग्यूमेंट सेम है, आर्ग्यूमेंट कितना है 150 और यहाँ भी 150, तो उस केस में जो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी अंडर रूट से। जब अंडर रूट निकालोगे 30 इंटू 150 का स्क्वायर प्लस 40 इंटू 150 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5 किलो हर्ट्स। तो प्रोसीजर वही है, सिंपल आपको एफ आई फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई डी थीटा ओवर डी टी, वहाँ से आपको ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। तो आपको फिर क्या करना है, इसे मैंने बताया था कंपेयर करना है, एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस डेल एफ, डेल एफ मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन की। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी, अगर ये दोनों कॉस हैं तो सिंपल आपको एम्पलीट्यूड ऐड करना है, अगर ये कॉस है ये साइन है और दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम है तो उस केस में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू वाली। अब सेकंड जो पार्ट है इसका फेज डेविएशन, उसमें आपको क्या करना है, थीटा ई हमें कितना गिवन है, थीटा ई गिवन है 2 पाई इंटू, आपको पूरा ये पहले यहाँ पर लिखना है 2 पाई इंटू 2 × 10⁶ टी प्लस 30 इंटू 2 पाई कॉस साइन 150 टी प्लस 40 इंटू 2 पाई कॉस 150 टी। अब ये इससे भी सिंपल है, इसमें तो हमने डेरिवेटिव किया था, फिर जनरल एक्सप्रेशन हमने देखा था कि बन रहा है एफ आई प्लस एफ सी प्लस डेल एफ, हमने कंपेयर किया। इसमें जो टोटल थीटा है उसका जो ये वाला पार्ट है, उसका जो ये वाला पार्ट है ये कहलाता है फेज, ये वाला पार्ट क्या है फेज। तो आपको यहाँ पर कुछ इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल थीटा में ये तो पार्ट हो गया एफ सी का, यानी कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी का फेज है ये तो वाला पार्ट हो गया, ये वाला जो फेज है ये आपको कैलकुलेट करने को पूछा गया था। तो आपको उसकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन मैंने बताया था अगर यहाँ साइन है या कॉस है दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है तो उस केस में क्या होगा, इसका अंडर रूट में 60 पाई का स्क्वायर प्लस 80 पाई स्क्वायर। तो जब फाइंड करोगे इसका आएगा 100 पाई। तो ये प्रोसीजर है, ये था फ्रीक्वेंसी डेविएशन फाइंड करने का तरीका, कि सबसे पहले इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी फाइंड करी, डेरिवेटिव किया, और ये बनेगा इस फॉर्मेट में एफ सी प्लस इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करी, यहाँ से मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी डेविएशन। और फेज डेविएशन फाइंड करने का तरीका है, आप पूरा आर्ग्यूमेंट लिखो थीटा का, और इसमें जो दूसरा वाला पार्ट है ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी का पार्ट हो गया, ये दूसरा वाला पार्ट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी फेज डेविएशन। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का तरीका यही है, दोनों साइन दोनों एक साइन है एक कॉस है, तो फिर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सपोज यहाँ पर दोनों कॉस होते तो आप इन दोनों को ऐड कर देते सिंपल, तो ये आता 140 पाई, सिंपल ये आंसर होता अगर ये दोनों कॉस होते। तो ये था गेट 2002 का क्वेश्चन।
आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फेसबुक पेज पे कमेंट कीजिए तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2005 का है, इसमें डिवाइस विद इनपुट एंड आउटपुट इज कैरेक्टराइज बाय द वाई टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, यानी कि स्क्वायर लॉ वेरिएशन है। एफएम सिग्नल जिसका फ्रिक्वेंसी डिवीजन 90 किलो हर्ट्स है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बैंडविड्थ है 5 किलो हर्ट्स, उसको इस डिवाइस पे अप्लाई किया गया। तो अब फाइंड करना है आउटपुट सिग्नल की बैंडविड्थ। तो मैंने बताया था वैसे ये एफएम जनरेशन का कॉन्सेप्ट है, वैसे नैरो, जिसमें हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट जो जनरेशन है एफएम का, इसे हम आर्मस्ट्रांग मेथड भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम नैरो बैंड एफएम जनरेट करते हैं, यहाँ से जनरेट होगा नैरो बैंड एफएम, और उसके बाद ये फेज मॉड्यूलेटर है, यहाँ से जनरेट होगा नैरो बैंड एफएम, उसके बाद हम लगाते हैं फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर, तो यहाँ से जनरेट होता है हमारा वाइड बैंड एफएम। तो इसमें कहा गया है कि अगर एक डिवाइस है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है वाई टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, यानी कि स्क्वायर लॉ, तो हमें आउटपुट सिग्नल की बैंडविड्थ फाइंड करनी है। हमें गिवन है फ्रिक्वेंसी डिवीजन डेल एफ इज इक्वल टू 90 किलो हर्ट्स और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी एफ एम गिवन है 5 किलो हर्ट्स। अब इसमें नोटिस करने वाली बात कि जब भी मैंने बताया था उसमें कि अगर फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर लगा होता है, इसका मतलब क्या है, अगर हम कॉस अप्लाई करते हैं इस पे, इस फंक्शन पे एक्स स्क्वायर टी पे, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी बन जाता है। तो कॉस स्क्वायर टी को जब आप एक्सप्रेस करोगे तो बनेगा 1 प्लस कॉस 2 टी बाई 2। इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर वेरिएशन है वो इसकी फ्रिक्वेंसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स अगर एफ सी है कैरियर फ्रिक्वेंसी बिफोर दिस डिवाइस, तो जो बाद में जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी 2fc। अगर स्टैंडर्ड देखें तो एफ सी है और फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर एन है तो NFC। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, जो फ्रिक्वेंसी डिवीजन है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लॉ वेरिएशन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा अपनी पहली वैल्यू का, 2 टाइम्स ऑफ 180 किलो हर्ट्ज। ऐसे ही, लेकिन मैंने इसमें बताया था DMRC वाली वीडियो में कि FM में कोई वेरिएशन नहीं होता। FM में वेरिएशन क्यों नहीं होता, क्योंकि जब आप जनरेट करते हो तो जो मैसेज सिग्नल की, सपोज मैंने ये ट्रांसमिट किया और ये FC है, ये FC माइनस FM है, ये FC प्लस FM है, बैंडविड्थ तो सेम ही रहती है ना, रेंज तो सेम ही रहेगी, रेंज चेंज नहीं होगी। तो FM अगर कुछ भी चेंज करते हो तो उसमें चेंज नहीं आता है। तो FM रिमेंस सेम इन द फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर, चेंजेस आते हैं डेल एफ में, फ्रिक्वेंसी डिवीजन में चेंज आते हैं, कैरियर फ्रिक्वेंसी में चेंज आते हैं, बीटा में चेंज आता है, तो ये पैरामीटर चेंज हो जाते हैं फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर की वजह से। तो यहाँ से आप बैंडविड्थ फाइंड करोगे, न्यू बैंडविड्थ वो क्या आएगी, क्या होती है 2 डेल एफ प्लस एफ एम, ये होती है। डेल एफ कितना आया नया 180, एफ एम तो सेम रहेगा कितना 5, तो यहाँ से आ कितना आ गया 185 × 2, तो वी विल गेट द 370 आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर वेरिएशन नहीं होता, सपोज यहाँ पर क्यू वेरिएशन होता, उस केस में हम यहाँ पर डेल एफ को लिखते हैं 3 × 90। तो ये बताता है कि फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर में मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है, ये वेरिएशन बता रहा है। तो ये डिवाइस को हमने यहाँ पुट किया है, उससे पहले हमने सिग्नल अप्लाई किया, तो उसके बाद में सिग्नल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी बैंडविड्थ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके फ्रिक्वेंसी डिवीजन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर स्क्वायर लॉ डिवाइस है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और अगर सपोज जो भी पावर दे रखी है, सपोज एक्स की पावर एन दे रखी है, तो मल्टीप्लायर का आउटपुट आएगा एन टाइम्स ऑफ जो भी पैरामीटर निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2003 में, 11 में और 96 में। तो सबसे पहले इसमें मैच करना है हमें ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से। रिंग मॉड्यूलेटर, रिंग मॉड्यूलेटर किस लिए यूज़ करते हैं हम, रिंग मॉड्यूलेटर लगता है DSBSC के जनरेशन के लिए। DSBSC जनरेट करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं हम एक तो बैलेंस मॉड्यूलेटर और दूसरा होता है रिंग मॉड्यूलेटर। तो अगर आपसे पूछते हैं बैलेंस मॉड्यूलेटर किसके जनरेशन में यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते हैं रिंग DSBSC जनरेशन में। तो इस पहले का ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर हम यूज़ करते हैं FM जनरेशन में। FM जनरेशन में हम दो तरह से यूज़ करते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ FM जनरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट FM जनरेशन। डायरेक्ट मेथड में यूज़ करते हैं हम दो मेथड, एक होता है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर मेथड, दूसरा FET रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर मेथड। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर इनडायरेक्ट मेथड पूछते हैं आपसे, तो उसमें यूज़ करते हैं हम नैरो बैंड FM जनरेशन, और लास्ट आता है
इसमें हाँ दो होते हैं इसमें, नैरो एक तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, तो मैंने बता दिए। तो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं जनरेशन ऑफ एफएम में। नेक्स्ट है फोस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर। फोस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर बेसिकली यूज़ करते हैं, ये होता है डी मॉड्यूलेशन ऑफ एफएम में। एफएम का डी मॉड्यूलेशन करते हैं हम दो तरह से, एक होता है फेज डिस्क्रिमिनेटर मेथड से, एक फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर मेथड से। तो फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड में बेसिकली दो मेथड आते हैं, एक आता है रेशियो डिटेक्टर, दूसरा आता है फोस्टर सीले। और फ्रिक्वेंसी में आता है, फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर में सिंपल स्लोप डिटेक्टर और स्टैगर ट्यून्ड स्लोप डिटेक्टर। तो ये आपको याद रखना है कि फेज डिस्क्रिमिनेटर मेथड में दो मेथड आते हैं, एक रेशियो डिटेक्टर, दूसरा फोस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर। तो आपसे पूछ सकते हैं कोई सा भी, अब तो यहाँ पर ये पूछ लिया फोस्टर सीले, फोस्टर सीले यूज़ करते हैं हम एफएम डी मॉड्यूलेशन में, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट है मिक्सर। मिक्सर हम यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंसी कन्वर्जन के लिए, मैंने बताया था उसमें कि मिक्सर जो लगा रहता है, ऐसे यहाँ मिक्सर है, मिक्सर का मतलब होता है लोकल ऑसिलेटर फॉलोड बाय बैंड पास फिल्टर। ये जो मिक्सर है ये पूरा ब्लॉक मिक्सर का है। मिक्सर में होता क्या है, इसमें हम फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर फॉलोड बाय बैंड पास फिल्टर, तो ये होता है मिक्सर। तो मिक्सर यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंसी कन्वर्जन के लिए। तो यहाँ हमने देखा रिंग मॉड्यूलेटर यूज़ करते हैं DSBSC जनरेशन के लिए, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं FM जनरेशन के लिए, फोस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर यूज़ करते हैं FM डीमॉड्यूलेशन के लिए, और मिक्सर यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंसी कन्वर्जन के लिए। तो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने बताई थी, फेज डिस्क्रिमिनेटर फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर यूज़ करते हैं FM डीमॉड्यूलेशन के लिए। फेज डिस्क्रिमिनेशन में आता है रेशियो डिटेक्टर और फोस्टर सीले। एक बात यहाँ आपको याद रखनी है कि रेशियो डिटेक्टर की एडवांटेज होती है, इसमें हमें लिमिटर सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और फोस्टर सीले की एडवांटेज होती है इसकी लीनियरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है रेशियो डिटेक्टर से। ये दो बात आपको याद रखनी है। और फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर में देखा था सिंपल स्लोप डिटेक्टर और बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, जिसे कहते हैं हम स्टैगर ट्यून्ड। तो इन दोनों में लीनियरिटी थोड़ी वर्स्ट होती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं रेशियो डिटेक्टर और फ्रिक्वेंसी फोस्टर सीले। तीसरा मेथड मैंने बताया था इनडायरेक्ट मेथड जो होता है PLL, वो भी फ्रिक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन में यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है इसमें इस कॉलम को इस कॉलम से मैच करना है, उसके में पावर एफिशिएंट ट्रांसमिशन सिग्नल। अगर पावर एफिशिएंट ट्रांसमिशन करना है सिग्नल का तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो बेस्ट मेथड होता है पावर एफिशिएंट के लिए FM। मैंने बताया था कि FM की जो पावर होती है वो कैरियर पावर के बराबर होती है, AC² / 2R, वाइल जो पावर होती है AM में, VSB में, SSB SC में कंपेरेटिवली हाई होती है FM से। तो P का मैच हुआ 2 से। नेक्स्ट है मोस्ट बैंडविड्थ एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस सिग्नल। अगर हमें वॉइस सिग्नल ट्रांसमिशन करना है तो ये एक स्टैंडर्ड है, अगर हमें वॉइस ट्रांसमिशन करना होता है तो वॉइस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं SSB SC मॉड्यूलेशन। ये आपको याद रखना है कि वॉइस ट्रांसमिशन के लिए SSB SC यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट रिसीवर स्ट्रक्चर। अगेन बताया था सिंपलेस्ट रिसीवर स्ट्रक्चर होता है AM का, और बैंडविड्थ एफिशिएंट ट्रांसमिशन करना हो विद सिग्निफिकेंट DC कंपोनेंट, तो लास्ट ऑप्शन बचा VSB। VSB की बैंडविड्थ भी कम होती है, ट्रांसमिशन पावर भी कम होती है, इसलिए इसे प्रेफर करते हैं वीडियो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वीडियो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, VSBSC, और ऑडियो सिग्नल के लिए ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं FM, क्योंकि FM नॉइस वेरिएबल, क्योंकि FM में नॉइस कम होता है, इसलिए हम बेसिकली TV में यूज़ करते हैं। TV में जो ऑडियो आती है वो FM मॉड्यूलेशन की वजह से होती है, और जो पिक्चर आती है वो VSB की वजह से होती है। तो पावर एफिशिएंट होता है सबसे ज़्यादा FM होता है पावर एफिशिएंट। मोस्ट बैंडविड्थ एफिशिएंट होता है इसमें, मोस्ट बैंडविड्थ एफिशिएंट होता है इसमें फॉर वॉइस सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए SSB SC। तो आंसर हो गया 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैच करना है कि इनमें से कौन सा जो मॉड्यूलेशन स्कीम है वो इसमें कौन सा ब्लॉक इसमें यूज़ करते हैं। जैसे SSB है, SSB यूज़ करता है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। SSB जो होता है सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, इसमें यूज़ करते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है ये 90 डिग्री, ये माइनस का 90 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज को, और प्लस का 90 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज को। और दूसरी बात याद रखनी है कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जो होता है वो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का
सेम होता है। अगर हम बात करें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, दोनों का ऑटो जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता है वो सेम होता है, और जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता है वो ऑर्थोगोनल्स होते हैं। नेक्स्ट है एम, तो यहाँ से ये मैच हुआ कि SSB में यूज़ करते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, और हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर का इस तरह का स्पेक्ट्रम आता है कि नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज को, ये इसका फेज स्पेक्ट्रम है, नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज को -90 फेज शिफ्ट देता है और पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज को 90 फेज शिफ्ट देता है। एएम में यूज़ करते हैं एनवेलप डिटेक्टर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यूज़ करते हैं एनवेलप डिटेक्टर इन केस ऑफ म्यू लेस देन इक्वल टू 1। अगर म्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो एनवेलप डिटेक्शन इज द बेस्ट मेथड, लेकिन अगर म्यू ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो उस केस में यूज़ करते हैं सिंक्रोनस मॉड्यूलेशन, सिंक्रोनस डिटेक्शन, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है। लास्ट है BPSK, BPSK में यूज़ करते हैं हम इंटीग्रेटर एंड डम सर्किट। BPSK होता है बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, जिसकी बैंडविड्थ होती है ट्वाइस ऑफ RB, और ये इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होता है सबसे कम होता है। अगर हम कंपैरिजन देखें ASK और FSK में, सबसे कम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इसका होता है, इसका बिट रेट भी हाई होता है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन आ गया कि रेशियो डिटेक्टर, आपसे अगर ऑप्शन में गिवन होता तो रेशियो डिटेक्टर मैंने बताया यूज़ करते हैं FM डीमॉड्यूलेशन में, और इसकी इसमें हम लिमिटर सर्किट यूज़ नहीं करते हैं, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। PLL होता है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ FM डीमॉड्यूलेशन, ये यूज़ करते हैं FM डीमॉड्यूलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2014 का, इसमें गिवन है MF फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द मैसेज सिग्नल, वेयर ए इज 100 हर्ट्स, बी इज 40 हर्ट्स, और हमें गिवन है VT, VT इज अ सिग्नल अप्लाइड टू द दिस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, और MT गिवन है, हमें कट ऑफ फ्रिक्वेंसी गिवन है दोनों की सेम है, WT दे रखा है। फाइंड करना है बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल एज द आउटपुट ऑफ द मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर के आउटपुट पे फाइंड करना है बैंडविड्थ, इट मीन्स हमें यहाँ फाइंड करना है मॉड्यूलेटर के, क्योंकि मॉड्यूलेटर ये है, ये कहलाता है मॉड्यूलेटर सर्किट, और ये जो लग रहा है यहाँ पर ये है डी मॉड्यूलेटर, क्योंकि लो पास फिल्टर लग रहा है, लो पास फिल्टर यूज़ करते हैं डी मॉड्यूलेशन में, तो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें जब इसका आउटपुट फाइंड करना है हमें, तो कैसे फाइंड करेंगे, MT और VT की प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, MT इंटू VT ये करस्पॉन्ड करता है DSBSC, जैसे हमने देखा DSBSC में क्या होता है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है, इसमें MT सिग्नल जाता है यहाँ से CT जाता है, दोनों की प्रोडक्ट होती है तो मिलता है DSBSC, अगेन ये भी उसकी तरह काम कर रहा है, तो ये क्या काम करेगा, जो मैसेज सिग्नल है उसको राइट बाय जिसकी फ्रिक्वेंसी है उसको शिफ्ट कर देगा। VT का एक्सप्रेशन था cos 2πfct, यानी कि मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम जो गिवन है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट बाय FC, लेफ्ट बाय FC। जब इसे शिफ्ट करोगे, हम बात करते हैं पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज पे, हम यहाँ ये कंसीडर नहीं करते हैं, जब इसे शिफ्ट करेंगे राइट बाय FC तो क्या होगा, ये जो फ्रिक्वेंसी जीरो है ये शिफ्ट हो जाएगी FC पे, ये आ गया FC, और -A प्लस FC क्योंकि राइट बाय FC कर रहे हैं, और -B प्लस FC, अगेन जो नेक्स्ट है ये बी प्लस FC और ए प्लस FC, तो ये सिग्नल हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसको हमने मॉड्यूलेशन कर दिया, हमें की वैल्यू गिवन है ए और बी की, ये हम बाद में देख लेंगे। सपोज यहाँ ए की वैल्यू गिवन है 100 गिवन है, यहाँ पर गिवन है 40, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके बाद हाई पास फिल्टर अप्लाई कर रखा है, हाई पास फिल्टर की फ्रिक्वेंसी कितनी FC, इट मीन्स हाई पास फिल्टर क्या करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, लो फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर देगा। तो ये जो आपको ये जो हमने मॉड्यूलेशन करा है, ये एक तरह से मॉड्यूलेशन तो होता है, हाई जो लो फ्रिक्वेंसी कंटेंट है, जो लो फ्रिक्वेंसी है उसे हाई फ्रिक्वेंसी में ट्रांसलेट कर दिया। तो ये जो स्पेक्ट्रम आया ये कहलाता है USLSB लोअर साइड बैंड, ये है अपर साइड बैंड। जब हमने हाई पास फिल्टर अप्लाई करा तो इस फ्रिक्वेंसी को पास कर देगा और ये लो फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर देगा, इससे लेस फ्रिक्वेंसी को, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा हाई पास फिल्टर का वो मिलेगा ये वाला, ये हाई पास फिल्टर था, तो ये मिलेगा बी प्लस FC और ए प्लस FC। तो अब बैंडविड्थ क्या होगा इसका, बैंडविड्थ होता है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, ये लो फ्रिक्वेंसी है, ये हाई फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि ये कंपोनेंट तो खत्म हो गया, हाई पास फिल्टर ने इसे सप्रेस कर दिया, तो इसका बैंडविड्थ क्या होगा, ए प्लस FC हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, ये होता है बैंडविड्थ। तो यहाँ से आ गया ए माइनस बी, तो ए कितना गिवन है 100, माइनस बी कितना गिवन है 40, तो आंसर आ गया 60। तो इस क्वेश्चन में एक तो बात याद रखने वाली ये थी, जो देखने वाली थी, बैंडविड्थ फाइंड करनी है आउटपुट ऑफ मॉड्यूलेटर, तो
कुछ बच्चे गलती ये करेंगे कि यहाँ फाइंड कर लेंगे, ये तो पूरा सर्किट है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का, तो मॉड्यूलेटर ये वाला है, यहाँ फाइंड करना है हमें, यहाँ पर इस जगह फाइंड करना है हमें आउटपुट पे। तो एम टी और वी टी की प्रोडक्ट होगी पहले, जब हम किसी भी एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लगा रहता है और दो सिग्नल अप्लाई करते हैं तो ये काम करता है डी एस बी एस सी की तरह, और उसमें क्या होता है मैसेज जो सिग्नल है वो ट्रांसलेट हो जाता है हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में, तो जो हमारा मैसेज सिग्नल फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वी टी बना ये वाला एक्सप्रेशन राइट बाई एफ सी लेफ्ट बाई एफ सी हमने कंसिडर किया है केवल पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, क्योंकि बैंड भी तो सेम ही होगी ना, अगर नेगेटिव में निकालेंगे चाहे पॉजिटिव में निकालो, तो हमने ये वाला केस ले लिया और इसको शिफ्ट किया हमने राइट बाई एफ सी। उसके बाद हाई पास फिल्टर से पास करा जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है एफ सी, तो इसने इस फ्रिक्वेंसी को सप्रेस कर दिया, इस पार्ट को यानी कि एल एस बी को सप्रेस कर दिया और यू एस बी को पास कर दिया। अब हमें मिला ये वाला सिग्नल, अब इसका हमें बैंडविड्थ फाइंड करनी है, बैंडविड्थ होती है हाई फ्रिक्वेंसी माइनस लो फ्रिक्वेंसी, तो ए प्लस एफ सी माइनस बी प्लस एफ सी, तो यहाँ से मिल गया हमें बैंडविड्थ। तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गिवन है ये गेट 2015 का क्वेश्चन है, एम टी एक लो पास सिग्नल है इसकी बैंडविड्थ है डब्ल्यू हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ बैंड पास फिल्टर गिवन है फिगर में ये, इफ़ इट इज़ डिज़ायर्ड डेट आउटपुट सिग्नल जेड टी इज इक्वल टू एन एक्स टी, अगर ये कह रहा है कि अगर आउटपुट में केवल ये वाली टर्म प्रेजेंट रहनी चाहिए और ये टर्म्स आउटपुट में नहीं आनी चाहिए, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, जो डब्ल्यू बैंडविड्थ है लो पास सिग्नल की एम टी की, उसकी वैल्यू पूछी है उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें गिवन है सबसे पहले मैसेज सिग्नल जो लो पास सिग्नल है, तो कंसिडर इट द रेक्टेंगुलर पल्स माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू, इसकी बैंडविड्थ कितनी होगी डब्ल्यू। अब इसमें क्या रखा है, ये हो गया एम एफ मैसेज सिग्नल स्पेक्ट्रम, अब इसको उन्होंने पास किया एम्पलीफायर से, तो जो सिग्नल पास किया ये वाला है, तो एम टी मीन्स जब एम टी की करते हैं मल्टीप्लाई कॉस सिग्नल से तो वो स्पेक्ट्रम शिफ्ट कर देता है हाई फ्रिक्वेंसी में, इट मीन्स द सिग्नल विल बी शिफ्टेड राइट बाई एफ सी लेफ्ट बाई एफ सी, तो राइट बाई एफ सी शिफ्ट होगा, तो ये एफ सी माइनस डब्ल्यू और एफ सी प्लस डब्ल्यू, यहाँ एफ सी क्या गिवन है एफ सी वाला ये फ्रिक्वेंसी, तो इसे एफ निकालेंगे एफ सी निकालेंगे कितना आएगा 1200 हर्ट्ज, तो एफ सी गिवन है 1200 हर्ट्ज, हमें फाइंड करनी है डब्ल्यू की वैल्यू। तो ये स्पेक्ट्रम हो गया एक्स एफ का, तो ऐसे ही नेगेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए बना सकते हैं लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी क्योंकि बैंडविड्थ सेम होती है दोनों केस में। उसके बाद उन्होंने क्या करा, इस सिग्नल को पास करा एम्पलीफायर से, आउटपुट मिलता है वाला, तो ये आउटपुट वी हैव टू रिक्वायर एट द आउटपुट, हमें ये आउटपुट बैंड पास फिल्टर के आउटपुट में चाहिए लेकिन ये वाला आउटपुट नहीं चाहिए, तो इसको सप्रेस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका स्पेक्ट्रम क्या है इसका, क्योंकि इसे हमें अलाउ नहीं करना है। तो एक्स टी एक्स स्क्वायर टी है, इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन इन टाइम डोमेन, इसका मतलब ये है एक्स टी इंटू एक्स टी, जब टाइम डोमेन में मल्टीप्लीकेशन होता है तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन होता है, एक्स एफ कन्वोल्यूशन विद एक्स एफ, एक्स एफ जो था हमारा वो ये एक्स एफ है, इसका अगर कन्वोल्यूशन करेंगे उसी स्पेक्ट्रम से तो वी विल गेट, अगर दो रेक्टेंगुलर पल्स सेम ड्यूरेशन की हैं और दोनों का कन्वोल्यूशन करते हैं तो वी विल गेट ट्रेंगुलर पल्स, हमें ट्रेंगुलर मिलेगी और जो विड्थ होगी उसकी डबल होगी, इट मीन्स ये जो विड्थ होगी ट्वाइस एफ सी माइनस टू डब्ल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगी ट्वाइस एफ सी प्लस टू डब्ल्यू, क्योंकि हमेशा जो रेक्टेंगुलर पल्स से हम जब कन्वोल्यूशन करते हैं तो ट्रेंगुलर पल्स जब बनती है तो उसका जो विड्थ होती है वो डबल हो जाती है रेक्टेंगुलर पल्स से। अब यहाँ देखो ये स्पेक्ट्रम है, इसको हमें पास करना है बैंड पास फिल्टर से, तो इस तरह पास करना है कि ये सिग्नल सप्रेस हो जाए। अब सप्रेस कैसे होगा, ये जो लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, अगर ये फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट इससे बड़ा हो जाता है 1700 से, इट मीन्स ये इसके बैंड से बाहर हो जाएगा, तो ये इसे अलाउ नहीं करने का है, इट मीन्स ये केस तो बनता है कि 2FC माइनस 2W अगर 1700 से ज़्यादा है, ग्रेटर है 1700 से, इस केस में क्या कहलाएगा वो कि ये बैंड अलाउ नहीं करने का है, तो वी विल गेट, हमें FC की वैल्यू पता है 1200, तो ये हो गया 2400 और माइनस 2W ग्रेटर देन 1700, तो यहाँ से 2W कितना आ गया इज लेस देन, ये आ गया 700, यहाँ से W आ गया W लेस देन 350, इट मीन्स W अगर लेस देन 350 होगा उस केस में ही हमें आउटपुट मिलता है 10XT और ये स्पेक्ट्रम अलाउ नहीं करने का है बैंड पास फिल्टर, इट मीन्स एटमोस्ट कितनी वैल्यू होनी चाहिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी होनी चाहिए 350 हर्ट्ज, इतनी वैल्यू होनी चाहिए तब जाके आउटपुट मिलेगा 10XT। देयरफॉर द आंसर इज
350 हर्ट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है गेट 2016 का। इसमें गिवन है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर जो ऑपरेट कर रहा है फ्रिक्वेंसी रेंज 58 मेगाहर्ट्ज से 68 मेगाहर्ट्ज तक, और इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी और लोकल ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी को इस तरह चूज़ किया गया है कि जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी है वो लेस देन इक्वल टू है लोकल ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी से। तो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट इमेज फ्रिक्वेंसी फॉल आउटसाइड द दिस रेंज। तो मिनिमम रिक्वायर्ड कितनी होनी चाहिए FIF। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल मैंने बताया था कि जो FL होता है लोकल ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी वो होता है FS प्लस IF। तो यहाँ से देखोगे वैसे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, जो ये फ्रिक्वेंसी होती है FSI इज इक्वल टू FS प्लस 2IF, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है इमेज फ्रिक्वेंसी। तो इमेज फ्रिक्वेंसी जो है लाई करनी चाहिए, जो इमेज फ्रिक्वेंसी है वो फॉल करता है आउटसाइड द 59 मेगाहर्ट्ज़ से 68 मेगाहर्ट्ज़। तो मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो और क्वेश्चन में गिवन था कि इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी इज लेस देन इक्वल टू लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी। तो FS कितना गिवन है यहाँ पर हमें, FS गिवन है 58 हर्ट्ज़ लेते हैं FS को, ये रखा है इसमें 58 हर्ट्ज़ से 68 कम से कम इतना। तो लीस्ट वैल्यू लेते हैं प्लस 2IF, 2 into IF, और FSI कितना गिवन है, क्योंकि इट इज़ रिक्वायर्ड दैट इमेज फ्रिक्वेंसी इस रेंज से बाहर होनी चाहिए। तो अगर हम 68 लेते हैं यानी कि ग्रेटर देन लेते हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन 68 होना चाहिए। जब ही हमारा मिनिमम FIF जो रिक्वायरमेंट है हमें इमेज फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट करना है, तो कम जो हमारा इमेज फ्रिक्वेंसी है वो गिवन है, तो इस क्वेश्चन में गिवन है एक गेट 2016 का क्वेश्चन है, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर ऑपरेट्स इन द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ 58 मेगाहर्ट्ज़ से 68 मेगाहर्ट्ज़, और इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी लोकल ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी को इस तरह चूज़ किया गया है कि इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी इज लेस देन इक्वल टू लोकल ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट इमेज फ्रिक्वेंसी फॉल आउटसाइड दिस रेंज, इमेज फ्रिक्वेंसी इस रेंज से बाहर फॉल करती है। तो फाइंड करना है मिनिमम कितनी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि इमेज फ्रिक्वेंसी होती है FS प्लस 2IF, यह हमें पता है कि इमेज फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू सिग्नल फ्रिक्वेंसी प्लस 2 times ऑफ इमेज इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। अब इसमें जैसे कि हम पता है हमें कि जो इमेज फ्रिक्वेंसी है इसकी हमें वैसे वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन हमें रेंज पता है कि इस रेंज के बाहर लाई कर रही है, तो इट मीन्स इट शुड बी ग्रेटर देन 68 मेगाहर्ट्ज़, कि ये जो इमेज फ्रिक्वेंसी है ये ग्रेटर होनी चाहिए 68 मेगाहर्ट्ज़ से। तो FS कितना गिवन है, 58 मेगाहर्ट्ज़ प्लस 2IF ग्रेटर देन 68 मेगाहर्ट्ज़। तो यहाँ से 2IF की वैल्यू कितनी आ गई, 68 माइनस 58, तो IF वी विल गॉट IF इज इक्वल टू कम से कम कितना IF चाहिए, 5 मेगाहर्ट्ज़। तो ये था इसमें, तो हमें पता होना चाहिए जैसे रेंज दे रखी है 59 से 68 बैंड, तो इसके बाहर लाई कर रही है इमेज फ्रिक्वेंसी, तो वी विल यूज़ द ग्रेटर देन 68 मेगाहर्ट्ज़ और सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है और वी विल गेट द दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2016 का है भी। इसमें सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर गिवन है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी गिवन है 15 मेगाहर्ट्ज़, इट मीन्स वी हैव गिवन द इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी
15 मेगाहर्ट्ज, लोकल ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी FL गिवन है 3.5 गीगाहर्ट्ज। और अब इसमें कंडीशन गिवन है, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिसीव्ड सिग्नल इज़ ग्रेटर देन द लोकल ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी, इट मीन्स FS इज़ ग्रेटर देन FL। जैसे मैंने एक पिछले स्लाइड में बताया था कि जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं वो लेते हैं FL ग्रेटर देन FS, बिकॉज ये सिंपलेस्ट होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है अगर यूज़ करते हैं इसे। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है FS ग्रेटर देन FL है, तो इस उस केस में मैंने फॉर्मूला बताया था इमेज फ्रिक्वेंसी का कि FS प्लस 2IF, ये मैंने बताया था अगर FL ग्रेटर देन FS है। लेकिन अगर कंडीशन रिवर्स दे रखी है कि FS ग्रेटर देन FL है, तो उस केस में FS माइनस 2IF होता है। तो FS हमें गिवन है कितना, हमें FS गिवन है सिग्नल फ्रिक्वेंसी, ये हमें गिवन नहीं है तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी FL से। तो FL होता है FS माइनस 2 माइनस IF। ये मैंने बताया था कि अगर FL ग्रेटर देन FS होता है, तो अगर FL फाइंड आउट करना है तो ये होता है FS प्लस IF। लेकिन अगर कंडीशन है FL लेस देन FS, तो उस केस में यहाँ भी चेंज आता है, साइन बीच में माइनस आ जाता है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमें फाइंड आउट करना है FS, तो यहाँ से हो गया FL प्लस FS, FL प्लस IF। तो FL गिवन है कितना 3.5 प्लस इमेज फ्रिक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी गिवन है 15, तो वी विल गॉट 18.5 मेगाहर्ट्ज। तो ये आ गया FS, तो यहाँ पुट कर देंगे 18.5 मेगाहर्ट्ज माइनस 2 टाइम्स ऑफ, एक मिनट, यहाँ पर ना लोकल ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी गिवन है गीगाहर्ट्ज में, तो हाँ हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो FL कितना हो जाएगा यहाँ पर 3500, तो वी विल गेट 3515 मेगाहर्ट्ज एज सिग्नल फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पुट करेंगे कितना आएगा 3515 माइनस साइन है बीच में, माइनस 2 इंटू इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी कितनी गिवन है 15, तो जैसे जैसे कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 3485। तो ध्यान यहाँ पर देना ये था कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल ग्रेटर है लोकल ऑक्सीलेटर है। नॉर्मली हम क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो हम कंसीडर करते हैं FL ग्रेटर देन FS, तो उस केस में तो हमें फॉर्म एक्सप्रेशन पता है कि FL इज इक्वल टू FS प्लस IF होता है, और इमेज फ्रिक्वेंसी होती है FS प्लस 2IF। लेकिन कंडीशन यहाँ रिवर्स है, यहाँ पर FL लेस देन है FS से, तो उस केस में FL इज इक्वल टू होगा FS माइनस IF, और जो इमेज फ्रिक्वेंसी होगी FS माइनस 2IF। तो यहाँ फाइंड आउट कर लोगे आंसर आ जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन गेट 2017 में पूछा गया था, इस क्वेश्चन में गिवन है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसकी ये गिवन है XT इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, इसको फेड किया गया है फेज मॉड्यूलेटर पे, और जिसका फेज डेविएशन है KP इज इक्वल टू 5 रेडियन पर वोल्ट। कैरियर फ्रिक्वेंसी गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी एट T इज इक्वल टू 0.5 मिली सेकेंड्स। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए फेज मॉड्यूलेटर की, वो ST इज इक्वल टू होता है AC साइन, साइन ले लो कॉस ले लो, बस अंदर का जो मैसेज सिग्नल है वो सेम होना चाहिए, साइन 2πfct प्लस KP इंटू MT। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है फेज मॉड्यूलेशन की। तो यहाँ हम पुट करेंगे तो AC साइन 2πfct प्लस KP इंटू MT कितना गिवन है, MT गिवन है 5 साइन 4π इंटू 10^3t माइनस 10π कॉस 2π इंटू 10^3t। तो यहाँ से अब आपको यहाँ पर AC गिवन नहीं है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है, तो साइन क्या हो जाएगा, AC साइन 2πfct, तो 2πfc कितना गिवन है, FC गिवन है 20 kHz इंटू T प्लस KP गिवन है कितना 5 रेडियन पर वोल्ट। तो इसमें कितना आ गया 5 रेडियन पर वोल्ट, और यहाँ 5 था बाहर, 5 बाहर आ गया, और इधर बचा साइन 4π इंटू 10^3t
माइनस ये फंक्शन अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन में आपको बस टी की वैल्यू पुट करनी है 0.5 मिली सेकेंड, और जब टी की वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ फाइंड करना था इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी। अब इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी क्या होती है, मैंने बताया था एफ आई इज इक्वल टू होता है 1/2π डी थीटा ओवर डी टी। तो जब अभी जो फंक्शन अंदर का है ये पूरा क्या होता है, ये होता है पूरा थीटा आर्ग्यूमेंट, मैंने बताया था कि थीटा होता है। तो इस फंक्शन को अभी यहाँ वैल्यू पुट नहीं करनी है, पहले इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसके बाद डिवाइड बाय 2π करना है, फिर वैल्यू पुट करनी है टी इजिकल टू 0.5 मिली सेकेंड। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी, उसके बाद इसमें एम टी दे रखा है, ये ध्यान रखना ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और इसको पुट करा। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, 2π × 20 kHz इंटू टाइम टी, डेरिवेटिव करोगे तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो और इसके बाद यहाँ पर 25 sin, तो यहाँ पर आप जब वैल्यू पुट करोगे डेरिवेटिव करने के बाद तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें फेसबुक पेज पे कमेंट कीजिए, तो आपको सॉल्यूशन वहीं प्रोवाइड कर देंगे, आप सॉल्व करिए इसको। वैसे टेक्निक इसका प्रोसीजर यही था कि आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फेज मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड क्या होता है, उसके बाद मैंने प्रोसीजर बता रखा है इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी फाइंड करने का। तो आर्ग्यूमेंट को डेरिवेटिव करना है और फिर डिवाइड बाय 2π करना है, उसके बाद टाइम को पुट करना है 0.5 मिली सेकेंड, यू विल गेट डेफिनेटली द आंसर 770 kHz। सो दिस इज़ अबाउट द एनालॉग मॉड्यूलेशन पार्ट 3। तो इसमें जितने क्वेश्चंस इसरो के आए हुए थे और जितने गेट के क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम 2017 तक मैंने कवर कर दिए हैं। तो इसको वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए तो आपको कंफर्ट फील होगा। सो स्टे ट्यून, स्टे वॉचिंग दिस वीडियो, और इसके बाद मैं पार्ट 3-4 लाऊंगा इसका, उसमें PCM, ASK, PSK डिजिटल मॉड्यूलेशन कवर होगा। थैंक यू वेरी मच।